नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में हम कैसे कलरफुल इमेज या हमारे खुद का इमेज लगा के ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसके लिए हमको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है नोटिफिकेशन बार कस्टमाइज स्टेटस बार चेंजर। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को 1 मिलियन डाउनलोड हुआ है, तो ये एप्लीकेशन अच्छा है। दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरह का है, देन हमको स्टार्ट में क्लिक कर लेना है। दोस्तों स्टार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा है परमिशन अलाउ करने के लिए, हमको एक एक करके परमिशन अलाउ कर लेना है। राइट कॉर्नर में टिक मार्क में क्लिक करके, तो यहाँ पे एक अनदर पेज शो कर रहा है, देन हम स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करके हम इस एप्लीकेशन को अलाउ कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार चेंजर में यहाँ पे एप्लीकेशन को अलाउ कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे राइट टिक मार्क में अलाउ करके देन बैक चलेंगे। दोस्तों एक एक करके सभी बटन को नोटिफिकेशन स्टेटस बार चेंजर यहाँ पे अलाउ कर लेंगे, देन कैमरा रीड यहाँ पे भी अलाउ कर लेंगे। देन अलाउ करने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह का आएगा, हम नोटिफिकेशन बार को हम क्लिक करेंगे। पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 ऑप्शन शो कर रहा है, नोटिफिकेशन बार देन स्टेटस बार। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन बार को चेंज कर सकते हैं, देन नोटिफिकेशन बार में जब क्लिक किए देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन बार एनाबल में सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरह का पहले से कुछ गैलरी का इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, आप चाहे तो इसी को नोटिफिकेशन बार में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें राइट कलर गैलरी में क्लिक करके अपना मोबाइल में जो भी इमेज है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये पहले से अवेलेबल है इस एप्लीकेशन के जरिए। मैं गैलरी में क्लिक करता हूँ, मेरे मोबाइल में जो इमेज है मैं खुद का एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे मैं खुद का इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको इमेज को अगर चाहे क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। देन फिक्स करने के बाद देन राइट में टिक मार्क में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में हमारा इमेज सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आप चाहे अपने मुताबिक जो भी इमेज रखना चाहते हैं आप रख भी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, देखिए यहाँ पे हमारा इमेज नोटिफिकेशन बार का बैक साइड में यहाँ लग चुका है। आपको जो भी इमेज पसंद है आप खुद का इमेज लगा सकते हैं, नहीं तो पहले से जो वॉलपेपर में जो इमेज है आप सीनरी का भी लगा सकते हैं। तो बैक चलते हैं, देन अनदर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, स्टेटस बार। दोस्तों स्टेटस बार हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा मोबाइल का टाइम शो कर रहा है हम इसी बार को स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में दोस्तों क्लिक कर लेते हैं, इसका कलर हम चेंज करेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जो भी कलर चाहते हैं, जो भी कलर रखना चाहते हैं, देखिए मैं जिसको टच करता हूँ देखिए टॉप में डिफरेंट शेड में कलर आता है। देखिए रेड हो गया, देन ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। आपको जो भी कलर सिलेक्ट करके देन स्टेटस बार को इनेबल करेंगे या अपने आप यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में मेरा इमेज यहाँ पे लग चुका है बैक साइड में। देखिए यहाँ पे टॉप में जो स्टेटस बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेटस बार का कलर ग्रीन हो गया। दोस्तों इस तरह से आप अपना नोटिफिकेशन बार में अपना खुद का इमेज लगा के ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।